फेकों के कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चार दिनों से चल रही कार्रवाई में नया खुलासा हुआ है। ईडी ने जांच में पाया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल ने अपनी पत्नी रीता लाल के नाम पर कई कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों के नाम पर ठेके पट्टे लिए जाते थे। कुछ कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम करती हैं। रीता लाल की कंपनियों के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिल रहे हैं। जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि रीता लाल के साथ इन कंपनियों में ठेकेदार मुन्ना सिंह भी निदेशक है। मुन्ना सिंह के यहां भी ईडी छापेमारी के दौरान 6 मई को 2.93 करोड़ रुपए बरामद किए गए। रीता लाल की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह से पूछताछ की जाएगी। राजीव सिंह के यहां से भी ईडी ने 7 मई को 2.14 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अनुसंधान के क्रम में ईडी को यह पता चला कि मुन्ना और राजीव के यहां से बरामद राशि भी राजीव लाल को दी जानी थी। अब तक कुल 37.29 करोड़ रुपए की बरामदी हो चुकी है। समन पर गुरुवार को मंत्री के पीएस संजीव लाल की पत्नी रीता लाल गुरुवार को ईडी ऑफिस पहुंची। यहां ईडी टीम ने उनके पति और नौकर जहांगीर को अपने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। टीम ने रीता लाल से यहां उनके नाम पर चल रही कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सवाल पूछे। वहीं नौकर जहांगीर से अपने फ्लैट में बड़ी रकम इकट्ठा करने के स्रोतों के बारे में पूछा। जहांगीर आलम ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के कहने पर वह गाड़ी खाना स्थित सर सैयद रेसिडेंसी स्थित फ्लैट में पैसे रखता था। हालांकि जहांगीर ने पैसों के स्रोत को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी है। ईडी ने बुधवार को संजीव लाल द्वारा बीते कुछ माह पूर्व नए फ्लैट खरीद में भुगतान बेहिसाब खर्च के बारे में पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि संजीव और जहांगीर जहां ईडी की रिमांड पर हैं, वहीं मामले में जांच को आगे बढ़ते देख रीता लाल को समन कर गुरुवार को ईडी ने अपने जोनल ऑफिस बुलाया। रीता लाल दोपहर 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां तीनों को आमने सामने बैठा कर कई घंटे पूछताछ की। वहीं आपको बता दें कि टेंडर से मिली कमीशन राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में ईडी ने सोमवार को कार्रवाई कर रही है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।